अब बात करते हैं आरके स्ट्रेटजिस्ट, या फिर हम इसे आरके सिलेक्शन या आरके स्पीसीज भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड है आर एंड के। आर जो है यहाँ पे स्टैंड होता है रेट ऑफ इंक्रीज के लिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड के इज फॉर कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। यानी हम ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिनमें की जो ऑर्गेनिज्म अपने आर एंड के बेसिस पे फ्लक्चुएट होंगे। अब वो कैसे होंगे जरा सा समझते हैं, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी है आर एंड के सिलेक्शन, इसको भी कॉइन किया गया था इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट मैक आथुर एंड ईओ विल्सन के द्वारा। ये जो आर के सिलेक्शन है, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी, दैट इज इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी। कहानी क्या है इसकी कि जब ये सोचा गया कि इस दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं, एक काम करते हैं उनको हम उनके इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। तो वैसे तो बहुत से इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है, उनमें से एक इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है, दैट इज आर के सिलेक्शन। यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को उस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं जिस बेसिस पे वो इवॉल्व हुए हैं, इसलिए हम इसको लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, इसे हम इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम दुनिया भर के सारे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांट रहे हैं, एक आर एक के, ठीक है। बट ये इकलौता ऐसा नहीं है कि जिस कैटेगरी में इसको बांटा जा रहा है, और भी आगे बहुत से आएंगे, वो भी हम बात करेंगे। तो आर स्ट्रैटेजिस्ट या के स्ट्रैटेजिस्ट या के सिलेक्शन या आर स्पीसीज या के स्पीसीज, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक ही चीज है। जो स्पीसीज आर सिलेक्शन शो करती है उसे हम आर स्पीसीज या आर स्ट्रैटेजिस्ट कह सकते हैं, जो स्पीसीज के सिलेक्शन शो करती है उसे हम के स्पीसीज या के स्ट्रैटेजिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, आर जो सिलेक्शन होता है या आर स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इनका हाई पर कैपिटा ग्रोथ रेट देखा जाता है, यानी इनका आर बहुत हाई होता है, लेकिन ये किसी से कॉम्पिटिशन करने की कैपेबिलिटी खास नहीं रखते हैं, दे आर हैविंग अ पुअर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए हो गया वीड, यानी जंगली घास वगैरह जो होती है, जो अनवांटेडली कहीं भी जो है जर्मिनेट हो जाती है। आपने उसको देखा होगा कि वो जो वीड्स होती हैं उनको आप कितना भी कहीं से भी उखाड़ लीजिए, वो कहीं ना कहीं पसर जाती हैं, कहीं ना कहीं वो कॉलोनाइज होते हुए आपको दिख ही जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका आर बहुत हाई है, आर हाई होने की वजह से ये वो इतनी सारी सीड्स प्रोड्यूस कर देते हैं कि आप उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए, लेकिन वो अपने पीछे जो है अपना निशानी छोड़ के गए हैं, जो कि आपके सारी जायदाद को जो है हड़प लेगा, यानी आपके सारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को वो हड़प लेगा। तो जो वीड्स होते हैं ये एक साथ बहुत सारे नंबर में सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, छोटे छोटे सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनका आर बहुत हाई है, क्योंकि ये अपने पॉपुलेशन में टोटल जो एडिशन करते हैं नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग का वो हाई होता है। देखिए टू बी क्लियर, एनिमल के केस में ऑस्प्रिंग क्या होगा, बच्चा जो पैदा होगा या एग जो होगा, ठीक है, एग हो सकता है या डायरेक्टली ऑस्प्रिंग पैदा हो सकता है। प्लांट के केस में बच्चा कहाँ से आएगा, प्लांट के केस में बच्चा क्या है, सीड्स है, क्योंकि सीड जब जर्मिनेट होता है तो वही तो ऑस्प्रिंग उसका कहलाता है, ठीक है। तो प्लांट के मामले में हम ऑस्प्रिंग की जगह सीड वर्ड यूज करेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, और एनिमल की जगह पे कभी हम एग वर्ड यूज करेंगे, कभी हम ऑस्प्रिंग वर्ड यूज करेंगे, फाइन। तो सीड जो है अक्सर आपको डिस्टर्ब हैबिटेट में, सॉरी वीड्स जो है वो आपको अक्सर डिस्टर्ब हैबिटेट में देखने को मिलेगी, यानी एक ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वहां पे आपको जो पौधा सबसे पहले देखने को मिलेगा वो होगा एक गुमनाम सा कुछ वाइल्ड ग्रास, राइट, वीड जिसको हम कहते हैं। इनके पास अच्छी खासी टॉलरेंस होती है इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी के लिए एंड लो क्वालिटी रिसोर्सेस के लिए, यानी ये कम रिसोर्सेस में भी अच्छा टॉलरेंस दिखा पाते हैं, और इन्वायरमेंट अगर स्टेबल नहीं है तो भी ये ठीक ठाक जिंदा रहते हैं। आर सिलेक्टेड स्पीसीज जो है बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव एज में जल्दी पहुंचते हैं,
अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में लगा देते हैं। इनके ऑस्प्रिंग का साइज छोटा होने वाला है, लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म हो वो लंबे टाइम तक जिंदा नहीं है। ये सारे आग में चले गए। के वाले कौन से होते हैं? के वाले थोड़े से हम्बल टाइप, मतलब उनका अपना स्टैंडर्ड है। उनके पास जो है पॉपुलेशन मोर ऑर लेस स्टेबल पॉपुलेशन होती है। ऐसा नहीं कि हम भरपूर मात्रा में पैदा कर दिया बस, नहीं, ये आराम से रुक रुक के हर चीज इंजॉय करके चीजों को करते हैं। और ये जो है एडेप्टेड है किस लिए? कैरिंग कैपेसिटी तक सर्वाइव करने के लिए, मतलब इन्वायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वहीं तक ग्रो करेंगे। मतलब वी आर हैविंग अ क्लास, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस कैरिंग कैपेसिटी। इस टाइप का क्लास इनके पास होता है। एग्जाम्पल के लिए हो गया ओक ट्री। ओक ट्री को आपने देखा होगा, ये देखिए हमारी प्यारी स्क्वायरल जिस फ्रूट के पीछे पड़ी रहती है, ठीक है, दैट इज द ओक ट्री का फ्रूट है वो। बताएंगे जी, राबिया जी वेट कीजिए, बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो ओक ट्री का आपने जो केस देखा है, ओक ट्री क्या होती है? ओक ट्री एक बड़ा सा ट्री है, ठीक है, जो बहुत लंबा टाइम लेता है टोटली यंग होने में, और बहुत ओल्ड, मतलब कि बहुत लंबा टाइम लेकर मैच्योर होके एक अच्छे खासे जो है लेट एज में जाकर अपने सीड्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है, क्योंकि वो बहुत स्लोली ग्रो करता है, ठीक है, और अपना मैक्सिमम एनर्जी जो है अपनी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में लगा देता है। तो केस पीसेस प्लांट के मामले में वो स्पीसीस हो जाते हैं जो बहुत लंबा वक्त लेकर तब जाके मैच्योर होते हैं, उसके बाद वो फ्रूट देना शुरू करते हैं। सच ट्री हैव अ लॉन्ग लाइफ, लेकिन भाई साहब जिंदा बहुत लंबा टाइम तक रहते हैं। इनकी तरह नहीं है, वीड की तरह नहीं है कि आज पैदा हुए कल मर गए, ऐसा वाला नहीं है। ये जो है आज पैदा होंगे, ठीक है, आज से 5-6 साल बाद जाके बड़े होंगे, लेकिन जब जिंदा रहेंगे तो लंबा जिंदा रहेंगे, ठीक है, तुरंत नहीं मरने वाले हैं। तो इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। ये सीड्स सिर्फ एक बार प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मल्टीपल टाइम प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए तोरा तोरा प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। और आर स्ट्रैटेजी वालों का क्या है? आर स्ट्रैटेजी वालों के बैकग्राउंड में सॉन्ग चलता रहता है, जीने के हैं 4 दिन और बाकी हैं बेकार दिन, ठीक है, उनको पता होता है कि इसी 4 दिन में सब कुछ कर लेना है। इसलिए रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो सब कुछ एक साथ रिप्रोड्यूस कर दो, जितनी कैपेसिटी है सारा कैपेसिटी लगा दो, जितने ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हो सारे ऑस्प्रिंग एक ही साथ प्रोड्यूस कर दो। लेकिन के साथ ऐसा नहीं है। के इज लाइक कि भाई हमको तो मल्टीपल मौका मिलना है, हम क्यों सारा का सारा एनर्जी एक ही बार झोंक दें, हम तोड़ा तोड़ा करके जो है जब जब हमको मौका मिलेगा हम तब तब रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या करते हैं? रिपीटेड मैनर में रिप्रोड्यूस करते हैं। सीड्स जो है इनके बिगर साइज के होंगे कंपेयर टू द आर सेलेक्टेड स्पीसीज। आर सेलेक्टेड स्पीसीज के कंपेरिजन में इनके सीड का साइज थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, काफी बच्चों को लग रहा होगा कि इनकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये बहुत कुछ के साथ मिक्स हो रही है, तो बिल्कुल आपको सही लग रहा है। आर के चैप्टर सर्वाइवरशिप एंड सेमल पैरिटी एंड इटारो पैरिटी, ये तीनों के साथ कनेक्ट होगा। इसमें हम तीनों कैरेक्टरिस्टिक को आपस में जो है फिट कर देंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा ये तीनों कैरेक्टर हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, चलो पहले चार्ट दे रही हूँ, ये चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम को उठा के पकड़ लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चार्ट से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ही जगह सारा इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे डाल दिया गया है। सबसे पहला लेते हैं, पहला पॉइंट ये पहला मैंने यहाँ पे कॉलम लेके रखा है लाइफ हिस्ट्री फीचर्स का, कौन से फीचर को हम कंपेयर करने वाले हैं। दूसरा है आर सेलेक्टेड स्पीसीज का ग्रुप और तीसरा है के सेलेक्टेड स्पीसीज का ग्रुप। यानी यहाँ पे जो कंडीशन हम डील करेंगे, वी विल सी कि आर सेलेक्टेड में कैसा कंडीशन पाया जाता है वो और के में कैसा पाया जाता है, ठीक है। तोड़ा तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा तोड़ा होगा, ज्यादा ज्यादा नहीं होगा, तोड़ा तोड़ा होगा। तो पहला कंडीशन है इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज कैसे होते हैं? सबसे पहला मैं आपको हिंट देती हूँ, आर सेलेक्टेड स्पीसीज ध्यान दीजिएगा टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करते हैं। तो कैसे ऑर्गेनिज्म आ गए इसमें? ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए जिनकी डेथ अर्ली स्टेज में ज्यादा हो जाती है और लेटर स्टेज तक आते आते बहुत कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल बचते हैं, ठीक है। तो अब जोड़ते जाइएगा, अब सारे पॉइंट्स अपने आप में जुड़ते जाएंगे। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या पाई जाती है कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज अपॉर्चुनिस्टिक स्पीसीज भी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं,
लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ये खुद को बहुत अच्छे से स्टेब्लिश कर लेते हैं फेवरेबल इन्वायरमेंट में, जितने भी जिंदा बच जाते हैं उतने स्पीसीज, इसलिए हम इनको अपॉर्चुनिस्टिक स्पीसीज भी बोलते हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज इन्वायरमेंटल कंडीशन के मामले में थोड़े से अनस्टेबल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, तभी स्टार्टिंग में डेथ हो रही है। वेरिएबल होते हैं क्योंकि वेरिएबल मतलब हो गया कि कोई चीज जो है वहां पे कॉन्स्टेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टेन इन्वायरमेंट एज वेल एज डिस्टर्ब इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। जबकि दूसरी तरफ के की बात करें तो के हमको स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड फेयरली कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इंटेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज दैट इज आर। तो सीधी सी बात है, जिनका नाम आर है उनका आर क्या होगा, उनका आर हाई मिलेगा। हाई यानी ये जो नंबर ऑफ इनपुट ऐड करेंगे पॉपुलेशन में, यानी नंबर ऑफ जो ऑफस्प्रिंग ये ऐड करेंगे पॉपुलेशन में, वो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आर इज व्हाट, बी माइनस डी, राइट। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव एडिशन ज्यादा हो रहा है तभी आर हाई है। तो इनका जो है ऐसी स्पीसीज का आर हाई होता है, जबकि के सेलेक्टेड का आर लो होता है, इसलिए बहुत कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ये पॉपुलेशन में ऐड करते हैं। तीसरा डेवलपमेंट, क्योंकि आर देखिए, अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि नेचर ने हर एक ऑर्गेनिज्म को ऐसे फीचर्स दिए हैं जिससे कि किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, ठीक है, आप उसको वरदान भी कह सकते हो। वो कुछ ऐसा है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास वक्त कम है तो नेचर में रहकर वो ऐसे इवॉल्व हुआ है कि वो उस कम वक्त में ही सब कुछ कर लेगा, ठीक है। बट उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसको कि उन्हें फॉलो करना पड़ता है, इनफैक्ट जिसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी इवॉल्व हो गई है और वो अब बाय डिफॉल्ट फॉलो हो जाता है। दूसरी तरफ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो बहुत लंबा जिंदा रहेंगे, उनको अलग टाइप से इवॉल्व होने का मौका मिला है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बहुत से कॉमन सेंस वाली चीजें इन्वॉल्व होंगी। देखिए, आर सेलेक्टेड स्पीसीज का क्योंकि लाइफ स्पैन छोटा है तो इनका डेवलपमेंट जल्दी होना चाहिए या लेट होना चाहिए, क्योंकि इनको जिंदा कम दिन रहना है तो ऑब्वियसली इनका डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, जल्दी डेवलप करेंगे तभी सारे काम जल्दी जल्दी कर पाएंगे और उस छोटे से लाइफ स्पैन में जो है सभी चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन के साथ क्या है, के स्ट्रेटेजी के साथ क्या है भाई, इनकी तो बहुत लंबी लाइफ रहने वाली है तो जल्दी जल्दी डेवलप करके क्या करेंगे, ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे, अपनी मैक्सिमम एनर्जी अपने ग्रोथ में डालेंगे, मेंटेनेंस में डालेंगे और खुद को स्ट्रांग बनाने में डालेंगे। वो एनर्जी ये आर सेलेक्टेड वाले खुद को स्ट्रांग बनाने में उतना नहीं डाल पाते हैं क्योंकि इनके पास क्या है, कम टाइम है और काम ज्यादा है, इसे जल्दी जल्दी सब चीजें करेंगे। के वालों के पास क्या है, काम ज्यादा है लेकिन वक्त भी उससे भी ज्यादा है, तो ये थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन रेट एंड एज, ठीक है, अब यहां से आप कनेक्ट कर पाएंगे। आर सेलेक्टेड के पास क्योंकि लाइफ छोटी है तो ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई रखेंगे, बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। और किस एज में रिप्रोड्यूस करेंगे, अर्ली एज में, बहुत कम उम्र से ही रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, सेक्सुअली एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन के साथ क्या होगा, के में क्या होगा, इनका रिप्रोडक्टिव रेट लो रहेगा, यानी ये बहुत लिमिटेड नंबर में ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। क्यों, लंबा जिंदा रहने वाले हैं और भी प्रोड्यूस कर लेंगे बाद में, एक साथ ये सब थोड़ी प्रोड्यूस करना है। इसीलिए क्योंकि ये डेवलप भी स्लोली होते हैं तो इनका जो रिप्रोडक्शन का एज होता है वो थोड़ा लेट एस्टेब्लिश होता है, लेट एज, थोड़ा सा आगे चल के बहुत अर्ली बेसिस पे ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेट एज में जाकर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। हमें ही देख लीजिए, हम लोग का जो है एक फेज होता है 14, 16, 18, ये सब फेजेस क्रॉस करता है तब जाके हमारा रिप्रोडक्टिव एज अटेंड होता है, राइट। तो एक लंबा चौड़ा पीरियड जो है हमें सेक्सुअली मेच्योर होने में लगता है। नेक्स्ट बॉडी साइज, आर सेलेक्टेड स्पीसीज अक्सर आपको छोटे साइज के देखने को मिलेंगे, जबकि के सेलेक्टेड उनका बॉडी साइज लार्ज होता है। लेंथ ऑफ लाइफ, आर सेलेक्टेड की छोटी लाइफ होती है, शॉर्ट, जबकि के सेलेक्टेड की लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। सॉरी, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी आर सेलेक्टेड में वीक एंड पुअर होती है। वीक क्यों,
भाई आप खुद देखिए, इनको हर चीज के लिए इतना कम वक्त मिल रहा है कि ये खुद को जो है कॉम्पिटिटिवली स्ट्रांग कर पाएंगे, के कंपैरिजन में तो कभी खुद को कॉम्पिटिटिवली ये स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको खुद पे खुद को ग्रो अच्छे से ग्रो करके मेंटेन करने का इनको मौका नहीं मिल रहा। इनका मेन फोकस है रिप्रोडक्शन, जल्दी जल्दी ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लो और दुनिया से गायब हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए ये खुद को कॉम्पिटिटिव बेसिस पे उतना ज्यादा स्ट्रांग खुद को नरिश नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनमें वीक कॉम्पिटिटिव एबिलिटी देखने को मिलती है। जबकि के वाले भाई अपन के पास तो टाइम ही टाइम है, आराम से चलते हैं, यानी अच्छे से जो है खुद को खुद का ग्रोथ करवाते हैं, खुद का मेंटेनेंस करवाते हैं, और इसलिए इनमें कॉम्पिटिटिव एबिलिटी स्ट्रांग ऑब्लिक हाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट, सर्वाइवरशिप के बारे में बात करें तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज Type 3 सर्वाइवरशिप कर्व को शो करते हैं, जबकि के स्पीसीज जो है मेजोरिटी ऑफ के स्पीसीज Type 1 को शो करते हैं, कुछ माइनर बेसिस पे हैं जो कि Type 2 को शो करते हैं। Type 2 को कैसे आ गया? अच्छा, मैंने एक और चीज आपको नहीं बताई, हम ह्यूमन बींग्स कौन से कैटेगरी में आते हैं? Type 1 में आते हैं। लेकिन आपको पता है ऐसे ह्यूमन बींग जो कि बहुत ही ज्यादा अनटाइडी एरिया में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, जो बहुत माल न्यूट्रिशन का शिकार हुए रहते हैं, वो सारे ह्यूमन बींग Type 2 में चले जाते हैं। ठीक है, तो हम Type 1 में तो आते हैं, लेकिन हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारा जो आप कह सकते हो कि फिजिकली रिलेटेड जो भी ऐसी हेल्दी चीजें हैं जो कि अगर अटेन नहीं किया जा सके तो हम Type 1 से Type 2 में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि माल न्यूट्रिशन का शिकार होके रखे हैं, जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, खाने खाने के लिए टाइम पे खाना नहीं है और बीमारियों से सफर कर रहे हैं, वो Type 2 में चले आते हैं, क्योंकि उनके डेथ की पॉसिबिलिटी कॉन्स्टेंट बनी रहती है हर एक एज ग्रुप में, चाहे उनका एज ग्रुप कैसा भी है। इसीलिए बोला गया कि कुछ के सिलेक्टेड स्पीसीज मेजर तरीके से, ज्यादातर के स्पीसीज जो है Type 1 शो करती है, लेकिन कुछ एक आध माइनर ऐसी हैं जो Type 2 भी शो करती हैं, तो ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन साइज की बात करें तो आर का पॉपुलेशन साइज वेरिएबल होता है, यानी कभी भी कम होगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम कभी ज्यादा, आप फिक्स नहीं देख सकते उनका। जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज का जो है फेयरली कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि इनको अपने के अकॉर्डिंग ग्रो करना है, कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ग्रो करना है। डिस्पर्सल एबिलिटी जो होती है, किसी भी जगह पे मूव करने की एबिलिटी जो होती है, मूव करके एस्टेब्लिश करने की जो एबिलिटी होती है, इनके पास अच्छी खासी होती है। आर सेलेक्टेड के पास अच्छी खासी डिस्पर्सल एबिलिटी होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे, लेकिन के सेलेक्टेड के पास ये कैपेबिलिटी थोड़ी पुअर होती है, फेयर टू पुअर होती है। नेक्स्ट, मोर्टैलिटी, डेथ रेट। तो आर सेलेक्टेड में क्या होता है, आर सेलेक्टेड में इनकी मोर्टैलिटी डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है एंड नॉन डायरेक्टेड होती है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट यानी कितनी भी डेंसिटी हो, इनका मोर्टैलिटी को डेंसिटी से रिलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए बोला है डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन चलता है, यानी इनके में जो है हाई हमको देखने को मिल सकती है मोर्टैलिटी अर्ली एज ग्रुप में, यानी इसको ही हम कहते हैं नॉन डायरेक्टेड मोर्टैलिटी। जबकि के सेलेक्टेड में क्या होता है, के सेलेक्टेड में मोर्टैलिटी जो है लो होती है अर्ली स्टेज में एंड हाई होती है लेटर स्टेज में, यानी ये डेंसिटी डिपेंडेंट बेसिस पे रेगुलेट होती है इनकी पॉपुलेशन। तो जो के स्पीसीज होते हैं उनमें डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन चलता है, जबकि आर सेलेक्टेड में डेंसिटी इनडिपेंडेंट चलता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। आर सेलेक्टेड जो है मैक्सिमम सेमल पैरस होते हैं, यानी पूरी लाइफ में एक बार ब्लीड करेंगे उसके बाद डेथ हो जाएगी। जबकि के सेलेक्टेड में क्या होता है, के सेलेक्टेड जो है मेनली इटारोपैरस होते हैं, यानी अपन के पास बहुत लंबा टाइम पड़ा है, मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए बहुत कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लच साइज, क्लच साइज यानी कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आर सेलेक्टेड में क्लच साइज लार्ज होता है, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन आर सेलेक्टेड में क्या होता है, क्लच साइज छोटा होता है, यानी बहुत ही कम लार्ज शेप के, सॉरी लार्ज साइज के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है। तो आर सेलेक्टेड में छोटे छोटे साइज के बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, और के सेलेक्टेड में बड़े बड़े साइज के कम नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज जे शेप का कर्व शो करती हैं ग्रोथ कर्व, जबकि के सेलेक्टेड एस शेप का ग्रोथ कर्व शो करती हैं। पेरेंटल केयर की बात करें तो आर सेलेक्टेड में लो या लगभग मिनिमम पेरेंटल केयर या फिर कंप्लीटली एब्सेंट रह सकती है, जबकि के सेलेक्टेड में इनका हाई पेरेंटल केयर देखा गया है, दैट इज मैक्सिमम पेरेंटल केयर देखा गया है। फोकस की बात करें, आर सेलेक्टेड स्पीसीज का मैक्सिमम फोकस किस पे होता है, प्रोडक्टिविटी में होता है, यानी कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हम प्रोड्यूस कर पाए उस पे फोकस होता है। लेकिन के सेलेक्टेड का होता है एफिकेसी, कि भाई प्रोड्यूस ही नहीं करना है, उनको कैपेबल भी बनाना है और हमको कॉम्पिटिटिवली बहुत स्ट्रांग भी रहना है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आर सेलेक्टेड में कुछ वीडी प्लांट, स्मॉल फिशेस, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, ये सब चले आते हैं, जबकि के सेलेक्टेड में जो है हमको कैनोपी ट्री, लार्ज मैमल्स, सम पैरट्स, लार्ज टर्टल्स, ये देखने को मिलता है। तो ये थी आर एंड के बारे में, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि कोई भी स्पीसीज, कुछ स्पीसीज परफेक्ट आर सेलेक्टेड हो सकती हैं, कुछ स्पीसीज परफेक्ट के सेलेक्टेड हो सकती हैं और कुछ स्पीसीज परफेक्ट नहीं हो सकती हैं। यानी कुछ स्पीसीज में 3-4 कैरेक्टरिस्टिक आर के मिलेंगे, हो सकता है बाकी ना मिले। कुछ स्पीसीज में के सेलेक्टेड के कुछ 3-4 कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, बाकियों के ना मिले। यानी कहना ये चाहती हूँ कि एकदम परफेक्टली आर एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज मिले, ऐसा पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस देखे गए हैं। नोट दैट इन ऑर्गेनिज्म आर के सेलेक्टेड, आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड, देयर मे बी अ फ्लक्चुएशन ऑन सम पॉइंट, किसी पॉइंट पे फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज कंप्लीट आर एंड के सेलेक्टेड मे और मे नॉट गेट सेटिस्फाइड। आपको जो है कंप्लीट आर एंड के मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं दो नए टर्म की। यस, पहला टर्म है यहाँ पे हमारे पास प्रीकोशियल स्पीसीस और दूसरा है आर्टिशियल आर्टिशियल स्पीसीस, ठीक है। इसको हम प्रीकोशियलिटी भी कहते हैं एंड आर्टिशियलिटी भी कहते हैं। मैं फीचर्स बता रही हूँ, आप बताना कौन सा फीचर आर के साथ मैच होगा, कौन सा के साथ मैच होगा। आर्टिशियल स्पीसीस या आर्टिशियलिटी किसको कहते हैं, बायोलॉजी में जब कोई बर्ड या फिर मैमल्स कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है जो कि शुरुआत में अंडर डेवलप्ड होते हैं जब उनका जन्म हुआ रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है वो जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुए हैं उनके पेरेंट के द्वारा जो पेरेंटल केयर दिया जाता है उसके बाद वो आफ्टर बर्थ मैच्योर होते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं। ये हो गया, ये फीचर होता है आर्टिशियल स्पीसीज का और इस प्रॉपर्टी को हम आर्टिशियलिटी कहते हैं। दूसरा हो गया प्रीकोशियल स्पीसीज, ठीक है। प्रीकोशियल स्पीसीज आर दोज इन विच द यंग आर रिलेटिवली मैच्योर एंड मोबाइल फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द बर्थ और हैचिंग। तो देखिए आर्टिशियल में क्या था, आर्टिशियल स्पीसीज के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो तुरंत मूव नहीं कर सकते, उनको पेरेंटल केयर दे दिया जाता है, उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद मैच्योर होते हैं तब मूव करते हैं। लेकिन प्रीकोशियल स्पीसीज में क्या होता है कि प्रीकोशियल स्पीसीज में जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो वो पैदा होते ही चलना शुरू कर देता है, ठीक है। इन विच द यंग आर रिलेटिवली मैच्योर एंड मोबाइल फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द बर्थ और हैचिंग। पैदा होते ही या तो मूव करेगा या तो अंडे के बाहर निकलते ही मूव करना शुरू कर देगा। The offspring able to take care of themselves, that is offsprings are precocials. यानी इसमें जो offsprings होते हैं वो अपनी देखभाल खुद कर पाते हैं, खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया precociality and artificiality. अब आप मुझे बताइए R और K में से कौन से organism को किस में फिट करना चाहेंगे आप। बिल्कुल, जहां पे parental care दिया जा रहा है that is artificiality, ये किसका फीचर होगा, ये हो गया K selected का। और जहां पे ऑफस्प्रिंग पैदा होते ही चलना शुरू कर दे रहा है उसको किसी के पेरेंटल केयर की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये हो गया आर सेलेक्टेड। देखिए बोलते हैं ना नेचर के पास सभी चीजों का जवाब होता है, प्रीकोशियल स्पीसीज को किसी के पेरेंटल केयर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है,
क्योंकि उनको दे भी कोई नहीं रहा है पेरेंटल केयर, तो नेचर ने उनको ऐसे ही इवॉल्व किया है कि भाई ना तुमको पेरेंटल केयर मिलने वाली है और ना तुमको ऐसा बनाया जाएगा कि तुम जो है पेरेंटल केयर की तुमको जरूरत पड़े। किसी ने और ध्यान दिया कि जो आर स्पीसीज होती हैं वो टाइप 3 कर्व शो कर रही हैं, टाइप 3 शो कर रही हैं, और ऑफस्प्रिंग कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, बहुत सारा, जितने की कैपेबिलिटी है वो सब प्रोड्यूस कर दे रही हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों कर रही हैं? भाई ये पेरेंटल केयर नहीं देने वाली है, तो यहाँ चल रहा है बाय चांस कि भाई हम इतना सारा प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, तुम में से जो ताकतवर है वो जिंदा रह जाओ, बाकी सब एलिमिनेट हो जाओ। इतने ज्यादा मतलब आई मीन टू से मैं आपको इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट समझा रही हूँ कि इतने सारे ऑफस्प्रिंग क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि उनको पेरेंटल केयर नहीं मिलने वाली है, तो इस बेसिस पे प्रोड्यूस किए जाते हैं कि कम से कम कोई तो ऐसा ऑफस्प्रिंग हो जो कि बच जाएगा। अगर ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस किया जा रहा है तो इसी बेसिस पे किया जा रहा है कि मैक्सिमम की अगर डेथ भी हो गई फिर भी कुछ बच जाएंगे, इसीलिए ज्यादा प्रोड्यूस, ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि पेरेंटल केयर नहीं मिलने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि कोई तो बच जाएगा आराम से, इतने सारे हैं कि कोई ना कोई पक्का बच जाएगा, लेकिन के सिलेक्टेड में क्या है, अपने आप एक ऑफस्प्रिंग, दो ऑफस्प्रिंग ऐसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि जितने भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम पाल के जिंदा रख लेंगे, क्योंकि पेरेंटल केयर माइंड वॉन्ट। ठीक है, यस, समझ में आ रही है? इस चीज को हम पढ़ेंगे ट्रेड ऑफ में, ट्रेड ऑफ में ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ट्रेड ऑफ पूरा इवोल्यूशन पे बेस्ड है, ऑल द वो इकोलॉजी का पार्ट है। ओके, यस, चलिए तो कुछ हम वैलिडेशन पढ़ते हैं कि हाउ रियलिस्टिक आर दीज स्ट्रैटेजी एंड सर्वरशिप कर्व। तो नोट दैट इन ऑर्गेनिज्म आर के सिलेक्टेड देयर मे बी अ फ्लक्चुएशन ऑन सम पॉइंट, जैसे कि हमने बात किया, आपको परफेक्ट आर सिलेक्टेड या परफेक्ट के सिलेक्टेड मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, सेम बेसिस पे जैसे हमने सर्वरशिप कर्व में देखा था कि आपको परफेक्टली ऐसा ऑर्गेनिज्म जो तीनों टाइप में से सब में फिट हो जाए वैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन फ्लक्चुएशन हमको रियल लाइफ में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे स्पीसीज होंगे जो आर सिलेक्टेड के 5-6 फीचर्स को शो करते होंगे लेकिन बाकियों को नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी हम उनको आर में पुट करेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें उनको पुट किया जा सके, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। इस ग्राफ में क्या किया गया है, ये सिलेक्टेड के लिए एक बहुत ही फेयरली कॉन्स्टेंट ग्राफ प्लॉट किया गया है, जो कि कैसा है, जो कि है किस शेप में, दैट इज एस शेप में। ब्लू वाला देखिए, ब्लू वाला ग्राफ यहाँ पे जा रहा है, लेकिन आर वाला देखिए, आर वाला शुरुआत में तो जे शेप का बना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद इतना फ्लक्चुएशन क्यों शो कर रहा है, कोई मुझे बताएगा? ये जो आर वाला आर स्पीस आर सिलेक्टेड के लिए जो ग्राफ बना है ये शुरुआत में तो ऐसे जे शेप में बना है लेकिन इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, क्या लगता है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको पता है आर स्पीसीज जो होती हैं वो एक अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में, एक अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, तो उनके पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन क्या होती है, वेरिएबल होती है, दे आर नॉट कॉन्स्टेंट, याद है, बिकॉज द पॉपुलेशन आर वेरिएबल, कभी भी घट सकती है, कभी भी बढ़ सकती है, उनमें कोई भी कैसा भी चेंजेस आ सकता है, राइट right? लेकिन के सिलेक्टेड में ऐसा वेरिएबिलिटी नहीं है। के सिलेक्टेड देखिए, हमने वर्ड यूज किया था फेयरली कॉन्स्टेंट, तो वो कॉन्स्टेंट मेंटेन है, ठीक है, समझ रहे हैं? ये जो पॉइंट था हमारे पास वेरिएबल का, पॉपुलेशन साइज का वेरिएबिलिटी, कि आर सिलेक्टेड वेरिएबल है और के सिलेक्टेड फेयरली कॉन्स्टेंट है, वही चीज यहाँ पे हमको ग्राफ में देखने को मिल रही है कि कभी भी बढ़ रही है, कभी भी घट रही है, कितनी भी बढ़ रही है, कितनी भी घट जा रही है। क्यों? क्योंकि चीजें प्रेडिक्टेबल नहीं होती इसमें, इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि क्या होगा, क्योंकि
ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे नहीं चल रही होती, के सेलेक्टेड कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे चल रही होती है, तो इसलिए उनका अंदाजा लगाना आसान है कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा इसके बाद ऐसे चेंजेस होंगे। ठीक है, देखिए एक ही ग्राफ में हमने आर और के दोनों को प्लॉट किया है राइट, तो एक ही ग्राफ में प्लॉट किया तो उसमें के तो आएगा ही ना, के तो पूरा के पे ही बेस्ड होके चल रही है ना, और आर अपने आर पे बेस्ड होके चल रही है। ओके, इसके अलावा एक और यहाँ पे एग्जांपल है, टाइप वन में ह्यूमन चला आया, टाइप टू में सॉन्ग बर्ड्स, टाइप थ्री में फ्रॉग चले आए। ठीक है, ओके चलो, तो इसके साथ हमारा ये आर के सिलेक्शन एंड सर्वाइवरशिप डन हो जाता है।